और इस मौसम में ओपन एयर कितना अच्छा लगता है। जब फूड आएगा फिर हम आपको बताएंगे कि कैसा फूड था। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर हम गर्मियों में जैसे ओपन एयर वगैरह हैं, बेशक फ्रेश होती है, लेकिन ज़रूरत होती है हमें इंडोर यानी कि एयर कंडीशन। उसमें मलाई बोटी थी और जो वो था क्या होता है, लेग पीस टिक्का। आज हम लोग आए हैं एक न्यू रेस्टोरेंट और इसका नाम है रेस्टो। सो आज हम लोग ट्राई करेंगे रेस्टो को, ये कैसा है फूड। और अभी हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया है अभी पहले बताओ। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये है फेज़ 2, BHA फेज़ 2 में है। और अभी हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर और मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी कि कैसा है यहाँ का फूड। और अभी जो हमने फूड यहाँ पे ऑर्डर किया है ना, वो अभी जब हमारी टेबल पर आएगा जब फूड आएगा फिर हम आपको बताएंगे कि कैसा फूड था। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, एम्बियंस दिखाती हूँ यहाँ का। ये देखें, ओपन एयर में है, ओपन एयर है यहाँ पर। और इस मौसम में ओपन एयर कितना अच्छा लगता है। और थोड़ा सा गर्मियाँ हो जाएँ तो ओपन एयर की वाट लग जाती है। अगर हम गर्मियों में जैसे ओपन एयर वगैरह हैं, बेशक फ्रेश होती है, लेकिन ज़रूरत होती है हमें इंडोर यानी कि एयर कंडीशन वाली जगह की। बंदा तैयार होकर इतना ओपन एयर में नहीं बैठ सकता, मज़ा नहीं आता। मगर विंटर में आप ओपन एयर में इजीली आ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। सो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने खाने का। और हमारी गैदरिंग से तो आप वाकिफ़ हैं, तो आज मज़ा आ रहा है वैसे कुछ रहा नहीं। आज हमारा अचानक वाला ये प्लान बना, कोई ऐसा हमारा हफ्तों या दिनों से प्लानिंग नहीं थी। हमने कहा चलो सडन प्लान, तो बच्चों का वीकेंड था तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा बच्चे भी, अभी क्योंकि एग्जाम सब नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे तो ज़रा बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी और बच्चे एंजॉय करेंगे। सब बच्चा पार्टी आ गई है यहाँ पर हमारे साथ। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट जो है किसी हाइटी का हम प्लान करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको किसी नई जगह की हाइटी का जो है वो रिव्यू देंगे। अगर आप लोग किसी जगह के बारे में हमसे रिव्यू लेना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह पर चाहते हैं कि हम जाएं और वहाँ के फूड वगैरह का, एम्बियंस का आपको रिव्यू शेयर करें। पिशावरी कढ़ाई हमने ऑर्डर की थी, दोनों कढ़ाइयाँ लाजवाब। मसाला उनसे कहा था कि ग्रेवी ज़्यादा रखें, वो भी बेहतरीन रखा। और हमने बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया था। ये कश्मीरी चाय है और ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री सर्व हुई है एंड इट्स रियली रियली यहाँ का फूड बहुत अच्छा था। और ओह यस, बहुत मज़ा आया हम सबको। और ज़रूर आएँ आप लोग सब यहाँ का फूड ट्राई करें। ज़रूर आइए और यहाँ की कश्मीरी चाय को ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यहाँ का बारबेक्यू प्लेटर बुशरा कैसा था? बहुत ज़बरदस्त था ना बारबेक्यू प्लेटर। जो सारी जो उसमें कबाब थे, चुल्लू कबाब थे, उसमें मलाई बोटी थी और जो वो था क्या होता है, लेग पीस टिक्का। सॉरी, खाना ऐसा खाया ना, वो नाम ही भूल गए हम। तो वो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यहाँ पर आकर। यहाँ का एम्बियंस वगैरह ईच एंड एवरी बड़ा पीसफुल सा यहाँ का माहौल है। दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।